सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, जो भी मकसद मैं तो कामयाब नहीं हो पाएगी। ये वादा है ना कन्या का? तेरे वादे का करूं सौदा, हार कर गिरे तू औदा। रीना, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मेरा साथ छोड़ के चले गए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो जरूरत पड़ने पे मेरा साथ छोड़ दे। रीना, कैसी नाकन्या हूं मैं जो बेचारी इस लड़की की मदद नहीं कर पाई। काश मैं थोड़ा जल्दी आ जाती तो इसके बाल बचा पाती। नाकन्या, अब आ रहे हो तुम? ऐसे कैसे तुम बेचारी लड़की को बीच मझधार में छोड़ के जा सकती हो? और यहाँ कोई तमाशा चल रहा था जो चुपके से देख रहे थे, ये है तुम्हारा प्यार? बहुत पकड़ पकड़ कर रही थी ना, अब देख इस वीडियो को वायरल करता हूँ और नीचे लिखता भी हूँ, नाग कन्या गंजी चुड़ैल से हारी, नाग कन्या हुई गंजी चुड़ैल का शिकार, अब कौन बचाएगा हमें? इसकी तो दो मिनट में मैं हीरोइनगिरी उतारता हूं। रुको, हाँ राजू बोल। अच्छा हुआ सुना तू आ गई, मैं तेरा ही वीडियो देख रहा था। मेरा? हाँ, तेरा वीडियो फिर से वायरल हो गया है, मतलब कि नाग कन्या का। देख क्या दिखा रहे हैं। गंजी चुड़ैल से हरी नाग कन्या, अब हमें कौन बचाएगा? क्या सोना, तू उस गंजी चुड़ैल से हार गई? मैं हारी नहीं हूँ, ये उस लड़के का क्या धरा है जिसने चुपके से वीडियो बनाया, और वो भी तब जब उसकी गर्लफ्रेंड पे वो चुड़ैल वार कर रही थी। जब तक मैं वहाँ पहुंची उसने उसके बाल काट दिए थे, और इससे पहले कि मैं कुछ करूँ उस चुड़ैल ने मुझे धुएं में कैद कर लिया था, इसलिए। चल चल तू गुस्सा मत कर, लेकिन एक बात है, ये जो गंजी चुड़ैल है ना बहुत खतरनाक और डरावनी सी है। हाँ राजू, ये है तो बहुत ही भयंकर। भोलेनाथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बाल बाल बचा लिया। ये तो है। अच्छा हुआ तू बाल बाल बच गई, वरना अगर वो तेरे भी बाल काट देती ना तू भी टकली नाक करने अपन के घूम रही होती। हाँ ठीक है ठीक है, माना कि उसके पास शक्तियाँ है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो नाग कन्या के बाल को छू भी पाए। ये बात तो सच है, नाग कन्या सबसे पावरफुल है। क्या? वैसे एक बात बताना, तूने अभी तक पता लगाया कि वो आई कहाँ से और ये चाहती क्या है? नहीं राजू, कुछ ज्यादा नहीं पता चला, लेकिन जब मैं जंगल गई थी ना तो मुझे इंसान की राख दिखी थी। इंसान की राख? अच्छा अच्छा तू छोड़, तू टेंशन मत ले, मैं पता लगा था। हाँ राजू, लेकिन तू ना ध्यान से जाना, वो चूड़े बहुत खतरनाक है। जो दिन में पांच पांच समोसे खाते हैं ना उनको ये ऐसी चुड़ैलें कुछ नहीं कर सकती। माय लॉर्ड। सारी राख, ये वही राख होगी जिसके बारे में सोना बात कर रही थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? पहले तू बता तू कौन है। मैं रास्ता भूल गया था।
जंगल में मंगल होगा और तू बनेगा मेरा शगुन। सुबह से लेके शाम तू बनेगा मेरा गुलाम। मेरे बाल कहाँ गए? जब चलूंगी मैं अपनी चाल, तोड़ जाएंगे सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चूड़े। राजू, ये कैसे हो गया? तेरे बाल? और तू ऐसे क्यों चल रहा है? राजू? मैं राजू नहीं, गंजी चुड़ैल का गुलाम हूँ। क्या बोले जा रहा है? होश में आ। मैं नागकन्या हूँ, तेरी दोस्त। राजू, सोना हूँ मैं। मैं राजू नहीं, गंजी चुड़ैल का गुलाम हूँ। हे भोलेनाथ, ये क्या हाल हो गया है राजू का? लगता है उस गंजी चुड़ैल का बुरा साया पड़ गया है राजू पे। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं राजू को इस साये से निकाल के रहूंगी। अब मैं इस गंजी चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। मेरी पिछली का झटका जिसने हाथी को भी पटका, तू कैसे गई जेल? कौन सा खेल? बेटा जल्दी यहां से भागो, जाओ जल्दी। तूने जकड़ा मुझे इन सांपों से, फिर भी पकड़ नहीं पाई अपने हाथों से। चलूंगी मैं अपनी चाल, और जाएंगे सबके बाल। जी हाँ, मैं हूँ गंजी चुड़ैल। ये तो कहाँ हो गए? अब मैं राजू को उसके कब्जे से कैसे बचाऊंगी? कहा जा रहा है कि नाग कन्या जो आज तक हमें मुश्किलों से बचा रही थी, वो आज गंजी चुड़ैल के सामने हार गई। हमें ऐसे वीडियोस भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा झूठ है, क्योंकि सच हमें ये बच्ची बताएगी जिसे नाग कन्या ने उस गंजी चुड़ैल के कहर से बचाया है। तो आइए। तो स्वाति बेटा, क्या कहना चाहती हैं आप? गंजी चुड़ैल मेरी भी बाल काटने आई थी जब मैं पार्क में खेल रही थी। नाग कन्या दीदी ने मुझे बचा लिया और वो गंजी चुड़ैल नागकन्या दीदी से डर के भाग भी गई। अगर आज नागकन्या दीदी नहीं होती, वो गंजी चुड़ैल मेरे भी बाल काट के ले जाती। थैंक यू। चलो तो जैसा कि अभी आपने सुना, नागकन्या अभी भी हमारी मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़ी है। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? वो नागकन्या की तारीफ कर रही थी ना कि तुम्हारी? वो नागकन्या की तारीफ कर रही थी ना, तो इसलिए मुस्कुरा रही। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी सी अजीब सी हो? क्रिश, तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। थैंक्स सोना। अच्छा सोना, तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी? मैं? हाँ। सच्ची? हाँ। पर तुम्हें तो नागकन्या से मिलने जा रहा था ना? तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया क्या? नो, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं यार। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। अच्छा ओके, मुझे बहुत जल्दी जाना है, तुम दोनों ये संभाल लेना, रैप अप कर लेना, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नागकन्या के साथ मीटिंग है। कृष्ण प्लीज मुझे भी ले चलो ना। नहीं नहीं, मैं किसी को साथ साथ लेके नहीं जाऊंगा, थोड़ी पर्सनल मीटिंग है तो
See you girls. Tata, bye. काश मैं कृष को बता पाती कि जिस नाग कन्या की वो तारीफ करता रहता है वो और कोई नहीं, नया हूँ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बस भी करिए ना। इसे बस करने वाली क्या बात है हा? अरे हम तो अपनी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं। और तुम्हें पता है हम अपने आप को इस वर्ल्ड में सबसे खुशकिस्मत पति समझते हैं। मुझे शर्म आ रही है। अब तुम सुंदर हो तो हो, मगर उतनी भी नहीं हो जितना आप दिन भर बोलते रहते हो। अरे जाने मन, जरा हमारी नजरों से तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी खूबसूरत हो। जब सामने हो तुम्हारी एक और सूरत, तब पता चलेगा तुम्हें कौन है ज्यादा खूबसूरत। एक अनोखी रक्षा, नाग कन्या, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दंगल पर।